हेलो मेरे फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल न्यूसाइन क्लासेस में। आज बहुत दिनों के बाद, कम से कम 6 से 7 महीने पहले मैंने हाई स्कूल का वीडियो प्रोवाइड किया था। आज एक क्वेश्चन मैं बना कर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़रूर देखें आप क्वेश्चन, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके अनसार्ड में दिए होते हैं और उसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार आपको अनसार्ड में मिलेगा अगर आप अनसार्ड को लगा रहे होंगे तो। तो आइए समय को विलंब न करते हुए देखते हैं क्वेश्चन। ऊँटों के झुंड का एक चौथाई जंगल में देखा गया, झुंड में ऊँटों की संख्या के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ी पर देखा गया तथा शेष 15 ऊँट नदी के किनारे पर देखे गए, तो झुंड में ऊँटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना झुंड में, माना झुंड में ऊँटों की संख्या, ऊँटों की संख्या हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर मान लेंगे, ऊँटों की संख्या क्या मान लेंगे, एक्स स्क्वायर मान लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि ऊँटों के झुंड का एक चौथाई जंगल में, जंगल में कितने हैं, जंगल में ऊँटों की संख्या, ऊँटों की संख्या चौथाई है, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई ये 4 हो जाएगा। फिर झुंड में ऊँटों की संख्या के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ी पर, पहाड़ी पर ऊँटों की संख्या कितनी है, कह रहा है कि वर्गमूल का 2 गुना, तो इसका आपका कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल, तो वर्ग उसको अंडर रूट में कर लेंगे, इसका वर्गमूल का 2 गुना, वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ी पर देखा गया। मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x, कितना आ जाएगा 2x तथा शेष नदी के किनारे देखे गए कितने 15। लेकिन ये क्वेश्चन दिया गया है तो इससे शर्तें स्टार्ट होंगी, शर्तानुसार बहुत ही छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ, बहुत ही 3 से 4 मिनट का वीडियो है, ज़रूर आप लोग वीडियो को देखें और शेयर करें। और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में है, क्वेश्चन 4 नंबर का है और वीडियो भी आपका 3 से 4 मिनट का ही होने वाला है। अब शर्तानुसार क्या करेंगे, कुल थे आपके पास एक्स स्क्वायर, उसमें से जंगल में ऊँटों की संख्या कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, पहाड़ी पर ऊँटों की संख्या कितनी है, 2x है, तो ये भी उसमें से माइनस होगा, और इसमें से जब ये चीज़ निकल जाती है तो कितनी बचती है, 15 बचते हैं नदी के किनारे पर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अभी हो जाएगा x की पावर 4 और माइनस का 2x इक्वल टू 15। अब यहाँ पर एलसीएम आप ले लेंगे, 4 आ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसके नीचे 1 है तो कितना हो जाएगा, 4 × 8x इक्वल टू 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 1 निकल जाएगा तो आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 8x और ये आपका हो जाएगा 60। अब उसको आप इस साइड में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब इसका फैक्टर करेंगे, कुछ लोगों को फैक्टर में भी प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 180 आ जाएगा। अब क्या करना है कि इसी संख्या को तोड़ना है 2 भागों में, कि गुणा करने पर 180 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए, तो 18 और गुणे 10, 180 और 18 से 10 निकालेंगे तो हो जाएगा, तो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 18x और माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस का कर देंगे और माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दोनों में 3x कॉमन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 6, और यहाँ पर आपका 10 कॉमन है तो क्या हो जाएगा, x माइनस ये भी 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक में आपका आ जाएगा 3x प्लस 10
और एक में आ जाएगा x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप इसको रखेंगे 3x प्लस टेन इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस टेन, और x इक्वल टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 10 बाई थ्री, और यहाँ पर x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब x बराबर माइनस का 10 बाई थ्री आया तो इसमें नंबर माइनस में नहीं आएगा, ये आपका अमान्य रहेगा, x बराबर 6 मानकर करेंगे। और रूटों की संख्या आपने क्या मानी थी, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आई है 6, तो रूटों की संख्या थी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर मीन्स 36, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 36 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन बहुत ईजी है और इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब आपको प्रतिदिन एक वीडियो ही मिलेगी, एक क्वेश्चन ही मिलेगा अभी, और बहुत ही जल्द जो है एक बहुत ही बड़ा हम लोग वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे।